गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 6। चैप्टर 6 से बोल अनमोल हम कर रहे थे ना, इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैंने इसके शब्द अर्थ और मौखिक प्रश्न करवा दिए थे आपको। अब हम इसके लिखित प्रश्न करेंगे, ठीक है। उत्तर लिखिए। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? क, शशांक झोपड़ी में शरण क्यों लेना चाहता था? तो आंसर है, ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक घबरा गया था, इसलिए वह झोपड़ी में शरण लेने चाहता था। मैं झोपड़ी में शरण लेना चाहता था, ठीक है। खा है क्वेश्चन, शशांक ने वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए क्या कहा? उसने वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए क्या कहा था? शशांक ने कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। उसने घमंड भरे स्वर में कहा था ना, शशांक ने कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो, ठीक है। ग है, वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को क्या नसीहत दी? तो वृद्ध व्यक्ति ने क्या कहा था उसको, शशांक को क्या नसीहत दी थी? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, ठीक है, कि हमें बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। घ है, कुछ भी बोलने से पहले हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? आंसर है, कुछ भी बोलने से पहले हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे, कि सुनने वाले को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, कैसा लगेगा, हमें ये सब सोचना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, लिखो और बोलो, तो क्या है ये, इसमें डॉट्स लर्निंग है, डॉट्स के ऊपर आपको पेंसिल से लिखना है। फिर भाव, इकलौता, वृद्ध व्यक्ति, ठंड, झोपड़ी, शशांक, ठीक है, ये भी यही है, आपको लिखने हैं सब वर्ड। फिर भाव, इकलौता, वृद्ध व्यक्ति, ठंड, झोपड़ी, शशांक, यही वाले वर्ड हैं ना, इनको आप कठिन शब्द मैंने आपको लिखवाए हैं। अब भाषा बोध, दिए गए शब्दों के ब्लोम लिखिए। तो है क, सर्दी का गर्मी, ब्लोम शब्द क्या हुआ? सर्दी का गर्मी। ख, तेज का धीरे, तेज बहुत तेज चलना और फिर उसके धीरे चलना, तो ये अपोजिट हो गया, इसका ब्लोम शब्द हो गया ना। ग है अंधेरा, अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजाला। घ, अंदर, अंदर का ब्लोम क्या होगा? बाहर, अंदर का बाहर। ड, गांव, गांव का विलोम हो जाएगा शहर। सुंदर, सुंदर का क्या हो जाएगा? भद्दा या कुरूप, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, सर्दी का गर्मी, तेज का धीरे, अंधेरा का उजाला, अंदर का बाहर, गांव का शहर, सुंदर का भद्दा या कुरूप, ठीक है। अब इनका स्वाद और रंग कैसा होता है लिखिए। ये जो आपको ये खाने की चीज़ें लिखी हुई हैं, इनका रंग कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, वो लिखना है। जैसे ये क्या है, इमरती है, तो ये क्या है, जलेबी है, जलेबी है, ये मीठी होती है ना, तो यहाँ मीठा स्वाद हो गया। और किस तरह की होती है, नारंगी रंग की, तो यहाँ पर नारंगी रंग दिया। अब ये क्या है, नींबू, तो ये क्या है, खट्टा होता है, खट्टा और किस रंग का होता है, पीला, या पीला लिख दिया, खट्टा और पीला। ये क्या, देखिए करेला, करेला किस कैसा होता है, कड़वा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है, तो यहाँ कड़वा लिख दिया। और रंग कैसा होता है, हरा, तो यहाँ पे हरा रंग लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या बनी हुई है, मिर्ची, कैसी मिर्ची, लाल मिर्च, तो इसका स्वाद होता है तीखा, यहाँ पे तीखा, और ये रंग कैसा है इसका, लाल, यहाँ लाल लिख दिया, ठीक है। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। इसमें वाक्यों में विशेषण लिखने हैं, इसको रेखांकित करना है। तो हाथों में ज़्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी। कैसे सामान होने से, ज़्यादा सामान होने से, ज़्यादा क्या हो गया, या विशेषण हो गया, और धीमी, धीमी भी विशेषण है, ठीक है। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी, उसे दूर, बहुत दूर, दूर क्या हो गया, दूर, दूर विशेषण हो गया।
एक भी विशेषण हो गया यहाँ पर, तो एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। गह है वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था। कैसा व्यक्ति आग ताप रहा था? वृद्ध। तो वृद्ध क्या हो गया? विशेषण हो गया। इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। शशांक की अच्छी आय होती थी। एक तो खाली लिखते हैं अच्छी आय होती। अच्छी क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण हो गया। ओके, अब आप ये पूरी अपनी बुक में भरेंगे और इसको याद भी करेंगे, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आंसर याद करेंगे और विलोम शब्द जो भी दिए हुए हैं सब चीज़ें याद करेंगे। ओके, अभी आगे एक्टिविटीज़ दी है, ये आपको अपने आप करना है होमवर्क में। ये आपका होमवर्क है। आप शशांक की जगह होते तो शरण मांगने के लिए क्या कहते? तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ वाक्य लिखने होंगे। ओके, और ये है कार्यकलाप क्या? दिए गए निर्देशों को नक्शे के अनुसार 1, 2, 3 क्रम देखकर अपने मित्र को अपने घर आने का रास्ता बताइए। ठीक है, तो आपको यहाँ से रास्ता बताना है और इन बॉक्स में फिल करना है नंबर देते हुए। ठीक है, डाकघर से सीधा चलते जाना, बस से उतरकर उसी दिशा में आगे बढ़ना, बड़े पेड़ से सीधे हाथ की तरफ मुड़ना, नीले रंग का बड़े दरवाजे वाला घर मेरा है, एक झोपड़ी आएगी उससे थोड़ा आगे चलना, तालाब के पास बने बस अड्डे पर उतर जाना, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ने पर डाकघर आएगा। ये सब आपको इसमें नंबर वाइज यहाँ पर डालने हैं नंबर्स। ठीक है, तो ये आप अपने आप करेंगे और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।